अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों के लिए एक और चिकन की वैरायटी लेकर के आई हूँ। आज मैं महारानी चिकन कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। ये कढ़ाई है हमारी, इसे बनाने के लिए जो हम लोगों को चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, इट्स अबाउट हाफ के जी ऑफ चिकन। साथ में हमारी फुल फैट योगर्ट जा रही है, हाफ कप ऑफ योगर्ट। मसाले में हमारा जा रहा है सॉल्ट जा रहा है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून ऑफ ड्राई रोस्टेड एंड क्रश कोरिएंडर धनिया, साबुत धनिया जो होती है उसको ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया मैंने। साथ में रेड चिली जा रही है, चिली फ्लेक जो होता है हमारा वो भी दरदरा किया हुआ चिली, साबुत लेके उसे दरदरा कर लें। साथ में यहाँ पे सौंफ जा रहा है हमारा, फेनल सीड जो होती है अबाउट 1 टीस्पून हमारा ये जा रहा है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स जा रहा है, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून एंड 1 टेबल स्पून ही फुल ऑफ क्यूमिन पाउडर। गरम मसाला हमारा होममेड है, क्यूमिन पाउडर जा रहा है हमारा जो आपका जीरे का पाउडर होता है वो, और 2 हमारी ग्रीन कार्डिमम जो सब्ज़ इलायची होती है वो जा रही है। साथ ही यहाँ पे हमारा गार्लिक पेस्ट जा रहा है 1 टेबल स्पून ही फुल, 4 to 5 मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली लिया है। साथ ही यहाँ पे एलमंड एंड कैशोनट हमारा जा रहा है, 6 to 7 हमारा एलमंड है एंड सेम एज कैशोनट भी हमारा उतनी है। साथ में हमारी डबल क्रीम जा रही है, जो थिक क्रीम होती है, फ्रेश क्रीम जो भी आप इसे कह लें वो हमारी जा रही है। सॉरी, ये हमारा जा रहा है अबाउट 5 टेबल स्पून है हमारा, हाफ कप ऑफ मिल्क हमारा जा रहा है, ग्रीन कोरिएंडर फ्रेश कोरिएंडर जो लीफ होती है हमारी वो जा रही है। आपको दिखाती हूँ इसे बनाना किस तरीके से। ये सारी चीज़ों को पहले हम लोगों को ग्राइंड कर लेना है, हमारी क्रीम कैशोनट एंड आलमंड और साथ ही आपका ग्रीन चिली जो है, ये सबको हम लोगों को ग्राइंड कर लेना है। मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी ग्राइंड करने में तो उसे ऐड कर लेंगे हम लोग, आपको नेक्स्ट दिखाते हैं ग्राइंड करके। ये देखिए मैंने इसका फाइन सा पेस्ट बना लिया है एंड सॉरी, रियली सॉरी, मैंने आपको बताया कि क्रीम के साथ ग्राइंड करना है, इसे हम लोगों को योगर्ट के साथ ग्राइंड करना है, दही के साथ ग्राइंड करना है। हमारी क्रीम जो है एक साइड पे है और दही के साथ मैंने ग्राइंड कर लिया है। साथ ही मैंने जो कोरिएंडर आपको दिखाया था, धनिया की पत्ती जो हमारी थी, हाफ मैंने ग्राइंडिंग में डाला है और हाफ मैंने इसकी गार्निशिंग के लिए छोड़ दिया। साथ ही मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे मैंने पैन में जो है ऑयल डाल रखा है, अबाउट 1/4 कप ऑफ ऑयल जा रहा है इसमें। साथ ही इसमें जो मैंने ग्राइंड किया था पेस्ट, ये सारा हमारा चला जाएगा। हाई फ्लेम पे हम लोग इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, 5 मिनट कुक करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा हाई फ्लेम पे हो चुका है, देख सकती हैं ये थोड़ा थिक हो गया है 5 मिनट में, और अब इसी में मैं सारा चिकन ऐड कर देती हूँ। ये देखिए सारा चिकन हमारा चला जाएगा, सारा चिकन हमारा इसमें चला जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम हमारा स्टिल हाई है, इसे मिक्स करेंगे फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट और हम लोग इसे दे देंगे, फिर नेक्स्ट इसमें सामान हम लोग ऐड करेंगे जो भी हम लोगों का मसाला है। ये देखें हमारा 3 मिनट हो चुका है, इसी में हमारा गार्लिक पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था वो जाएगा और इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और अब साथ ही बीच में हमारा ये सारा मसाला जो था सब चला जाएगा और फिर से हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें सारा मसाला चला गया, फ्लेम हाई पे अभी भी हमारा, इसे मिक्स कर लेंगे अगेन, हम लोग इसे 2 to 3 मिनट देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। ये देखें हम लोगों का 3 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका है और इसी में अब हमारी क्रीम अलॉन्ग विद जो हमारा मिल्क था, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा मिल्क इसमें जो ऐड किया था इसमें और थोड़ा सा योगर्ट में हमारा गया था और क्रीम के साथ जो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है ये चला गया है हमारा। इसे अब अच्छे से हम लोग कर लेंगे मिक्स और इस स्टेज पे फ्लेम हम लोग लो कर देंगे क्योंकि हम लोगों को अब चिकन को गलाना है, इस वजह से फ्लेम अब हम लोगों का लो हो जाएगा। लो फ्लेम पे हम लोग इसे तब तक कुक करेंगे अंटिल हमारा चिकन जो है इंटायरली कुक ना हो जाए। आप चेक कर सकती हैं इसमें नमक और मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा, और अब मैं इसे कर लिया है मैंने अच्छे से मिक्स और अब इसे मैं कर दूंगी कवर, कवर करके छोड़ दूंगी। हम लोगों का चिकन जब रेडी हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ, जब गल जाएगा इंटायरली तब मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा चिकन जो है इंटायरली कुक हो चुका है और आप देख सकती हैं इसका रोगन भी सरफेस पे आ गया है। इस स्टेज पे जो मैंने आपको फ्रेश कोरिएंडर लीव दिखाया था वो मैं ऐड कर दूंगी और हार्डली मैं इसे 1 to 2 मिनट और दूंगी सो डैट ये जो हम लोग धनिया पत्ती डाल रहे हैं ये थोड़ा सेटल डाउन हो जाए और फिर मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये रेडी हो गया है हमारा,
ये देखें इस तरीके से मैंने इसे डिश आउट किया है, आप इसे सर्व करें गर्मा गर्म चपाती के साथ या फिर जीरा राइस बना लें, रुमाली रोटी ले लें, तंदूरी ले लें, जो ले लें। बहुत ज़बरदस्त सा ये हमारा रेडी होता है, बहुत यमी होता है। इंशाल्लाह आप लोग भी बनाइएगा तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारी ये चिकन की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन मिलेगा बेहतर रहेगा उस पर क्लिक कर लें, सो डैट यू विल बी अपडेटेड विथ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। लाइक करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोबारा से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ और नई लजीज रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।